सबको बहुत-बहुत नमस्कार। आज आप सबकी खुशी देखकर मुझे और खुशी हो रही है और महसूस हो रहा है कि ये जो कुछ बातें हुई और उन बातों से बढ़ते-बढ़ते आज का दिन आया वो कितना शुभ था। आज गर्व से कह सकते हैं कि आज हम सब सबसे पहला भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल का आगाज में शामिल है और अब सब शुरुआत हो गई है और इतनी बढ़िया शुरुआत हुई है और आपके दमखम से ये लगातार हर साल चले और न केवल दिल्ली में, मुंबई में जाए, मॉरिशस में जाए, पूरे के पूरे विश्व में जाए जहां जहां भोजपुरी सिनेमा है। आज मनोज जी यहां पर हैं, मनोज तिवारी मेरे भाई हैं बिल्कुल, और क्या कला है उनमें, खड़े खड़े संगीत बना देते हैं, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं। और जो कनेक्ट रहता है, आप लोगों ने तो उनको एक कलाकार के रूप में देखा है, मैं उनको एक नेता के रूप में देखता हूं और मैं देखता हूं क्या गजब लोगों के साथ इनका जुड़ाव रहता है, मानो ये पैदा ही नेता बनने के लिए हुए हो जैसे। रवि किशन जी यहां पर हैं, अभी तक उनको टीवी पे देखते थे, उनके अलग अलग जो अदाएं होती थी उनको टीवी पे देखते थे, आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था एक सेल्फी ले लूं लेकिन थोड़ी सी शर्म आ रही थी, झिझक आ रही थी कि सेल्फी कैसे। कुणाल सिंह जी यहां पर हैं, उनके बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा। दिनेश लाल यादव जी उस मंच पे साथ में थे जहां इस बात की शुरुआत हुई कि यहां पर भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए था, आपको होना चाहिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभय सिन्हा जी यहां पर हैं, टीनू वर्मा जी यहां पर है, उनके लिए लोग हम उनका नाम लेते ही तालियां बजती हैं, तो देखिए मेरे को मेरी जानकारी थोड़ी कम है और शायद यही कारण है कि और भी जरूरत है कि भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल जैसे फंक्शंस होने चाहिए ताकि सबको, मेरे जैसे जो जिनको अंदाजा नहीं रहता कि भोजपुरी फिल्में कितना बढ़िया कर रही हैं, उनको भी खबर रहे कि भोजपुरी में कितनी बढ़िया काम हो रहे हैं। नितिन चंद्र जी भी यहां पर हैं और बहुत से अन्य कलाकार हैं, माफ कीजिए आप सबका नाम नहीं ले पा रहा। मुझे अभी पता चला कि 56 साल होने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा को। 56 सुनते ही मनोज जी कुछ और याद नहीं आता। भोजपुरी भाषा है, तकरीबन पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपको भोजपुरी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, न केवल भारत में, पूरे एशिया में, यूरोप में, मॉरिशस में, हर जगह भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलते हैं। और आखिर ये कला है, और कला है, कलाकार हैं, और जिस क्षेत्र के लिए फिल्म बनाते हैं वहां के इतिहास और वहां की संस्कृति को ये पर्दे पर लेकर आते हैं, तभी तो लोग इतना पसंद करते हैं भोजपुरी सिनेमा को, इतना पसंद करते हैं कि मैं पढ़ रहा था कि इतने कम रुपयों में जो फिल्म बनती है और वो कमाती इतना जबरदस्त है। पूरे के पूरे विश्व में छाए हुए हो आप सब, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब ये बात चली कि इस तरह से मनोज तिवारी जी ने कहा कि भाई हमारा सिनेमा इतना गजब का है, उसको भी एक फेस्टिवल में लाने की जरूरत है, और वहां से बात शुरू हुई। और उस बात को जब मैं छोटा मंत्री हूं तो मैं लेके गया, जेटली जी के पास लेके गया, वेंकैया नायडू जी के पास लेके गया, प्रधानमंत्री जी तक बात गई और उन्होंने कहा तुरंत ये भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए। फिल्मों से संदेश जो जाता है उसका असर दिलो दिमाग पे जबरदस्त पड़ता है। इसी बात से पता लगता है कि कला के क्षेत्र में अगर किसी भी कला के ऊपर किसी ने एक्ट लगाया है तो वो सिनेमा के ऊपर एक्ट लगाया हुआ है, सिनेमाटोग्राफिक एक्ट के बारे में, यानी इस जो आप बनाते हैं, जो आप काम करते हैं, जो आप जिस तरह की कहानियां दर्शाते हैं और जिस तरह से दर्शाते हैं, जिस जगह के बारे में बताते हैं, जिस व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उसका जो असर पड़ता है वो बहुत गहरा पड़ता है। मुझे लगता है आपको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है और अब से आप और जबरदस्त सिनेमा बनाइए, देशभक्ति का सिनेमा बनाइए, सच्चाई के बारे में बताइए ताकि पूरा विश्व जाने कि न केवल भोजपुरी बल्कि पूरी दुनिया आपके सबटाइटल्स में देखे और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्में चलें।
इसको आज सच्चा बनाने के लिए हमारा जो फिल्म डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, मिस्टर सेंथिल राजन, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरी सूचना प्रसारण मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का दिन आपने हम सबको दिखाया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 3 दिन के अंदर खूब फिल्में यहाँ पर दिखाई जाएंगी, मुझे लगता है टोटल यहाँ 10 फिल्में दिखाई जाएंगी और उन 10 फिल्मों के अंदर अगर थिएटर खाली रहे तो उसका बिल मनोज तिवारी जी भरेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।